पीटीए ने सबमरीन केबल में खराबी सुस्त इंटरनेट की वजह करार दे दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ। चेयरमैन पीटीए ने इजलास को बताया कि सबमरीन केबल 27 अगस्त तक ठीक हो सकती है। सिस्टम अपग्रेडेशन से इंटरनेट में कोई खलल नहीं पड़ा। मेंबर आईटी का कहना था कि इंटरनेट सुस्त होने से आईटी सेक्टर मुतासर हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की साख को पहुँचा है। पीटीए की जानिब से सबमरीन केबल में खराबी को सुस्त इंटरनेट की वजह करार दिया गया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ। चेयरमैन पीटीए ने इजलास को बताया कि सबमरीन केबल 27 अगस्त तक ठीक हो सकती है। पीटीए ने सबमरीन केबल में खराबी सुस्त इंटरनेट की वजह करार दे दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ। चेयरमैन पीटीए ने इजलास को बताया कि सबमरीन केबल 27 अगस्त तक ठीक हो सकती है। सिस्टम अपग्रेडेशन से इंटरनेट में कोई खलल नहीं पड़ा। मेंबर आईटी का कहना था कि इंटरनेट सुस्त होने से आईटी सेक्टर मुतासर हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की साख को पहुँचा है। पीटीए की जानिब से सबमरीन केबल में खराबी को सुस्त इंटरनेट की वजह करार दिया गया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ। चेयरमैन पीटीए ने इजलास को बताया कि सबमरीन केबल 27 अगस्त तक ठीक हो सकती है।